हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.1 का शेष भाग अर्थात पार्ट टू करने जा रहे हैं। पार्ट वन में 1 से लेकर 3 नंबर तक क्वेश्चन हो गया है। आइए आज हम लोग 4th नंबर प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न कह रहा है, जैसा कि ऊपर फ्लैश हो रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये है हम लोगों का प्रश्न। तो चौथा प्रश्न में मान लिया कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है और यही संख्या है। तो कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम जानते हैं कि a बराबर bq प्लस r। अब r क्या है, तो 0 <r> b, मतलब r का मान 0 के बराबर होगा और b से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। अब ये कंडीशन है। तो चलिए आइए देखा जाए, यहां पर जब b = 3, ये b बराबर हमने 3 क्यों लिया, क्योंकि कह रहा है कि 3m और 3m प्लस 1 अर्थात m में 3 से गुना है, जो होगा वही हम b का मान मानेंगे। b = 3, तो r का संभावित मान, अब देखिए r का संभावित मान क्या होगा, b बराबर है 3, तो r हम जानते हैं कि 0 के बराबर होगा, 0 से बड़ा उतना तक बढ़ता जाएगा और b से कम होगा। तो यहां b बराबर है कितना माने हैं, हम 3 माने हैं, 3 माने हैं, तो r कितना होगा, एक होगा 0, 1, 2, 3 नहीं होगा क्योंकि 3 से छोटा होना चाहिए, तो 0, 1, 2 ये होगा। अब देख लेंगे हम, जब r = 0 लेंगे तो संख्या क्या माने हैं, मान लिया a है, a माने हैं, संख्या बराबर हो जाएगा a = bq + r, तो b के जगह पर क्या है 3 है और यहां q होगा, r क्या है, हमने क्या लिया है r 0, तो यहां 0 बैठा देंगे, तो संख्या क्या हो जाएगा a = 3q, किंतु यहां पे कह रहा है संख्या नहीं, संख्या का वर्ग, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा a² = 3q² होगा, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। फाइनली ये क्या हो जाएगा, a² = ये हो जाएगा 9q² 3 × 9 और q². अब यहां पर हम देख रहे हैं थोड़ा सा, अब हम करेंगे यहां a² = 3 × 3q² ये क्यों करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि 3m के रूप में लाना है, तो यहां 3 हम गुणा कर लेंगे और बाकी जो बचेगा उसको साइड में यहां गुणा का चिन्ह लगा के लिख देंगे, क्योंकि हमें 3m के रूप में लाना है। तो यहां हो गया a² अर्थात संख्या का वर्ग 3 × m। अब यहां लिख देंगे जहां m क्या माने हैं, ये माने हैं 3q² माने हैं m = 3q². तो यहां हमने देख लिया कि ये संख्या का वर्ग 3m के रूप में हुआ है यहां पर। अब चलिए आइए यहां देखते हैं, यहां पर हम देखेंगे, यहां जगह है तो हम यही दिखा रहे हैं, जब r बराबर इस बार लेंगे 0 लिए थे, अब 1 लेंगे, बारी बारी से सबको ले लेंगे 1, तो संख्या a = क्या होगा 3q + 1, 3q प्लस क्या होगा 1 होगा, क्योंकि r = हमने क्या ले लिया है, इस बार 1 ले लिया है, दोनों तरफ फिर वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा
ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये होगा। दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया, यहाँ ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र हम लोगों को पता है, उस आधार पे कर लेंगे। ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2 × 3q × 1 प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, ये होगा हल करेंगे तो। अब यहाँ पर हम देखते हैं हमें 3m के रूप में लेना है, मतलब 3 निकालना है, तो एक में तो 3 होगा नहीं, इसमें 3 होगा, इसमें 3 होगा, तो हम इसे बाहर निकालेंगे। 3 क्या बच जाएगा, 3q स्क्वायर, चिन्ह है प्लस का, फिर यहाँ क्या बच जाएगा 2q, और यहाँ हो जाएगा प्लस 1 ज्यों का त्यों। इसके बाद हम यहाँ लिख देंगे 3m प्लस 1, एम कौन सा, तो ये जितना है 3 में जितना से गुना हुआ है इसको हम m मान लेंगे, m, और m का नीचे डिस्क्रिप्शन लिख देंगे कि जहाँ m बराबर, यहाँ लिख देंगे जहाँ m बराबर क्या 3q स्क्वायर प्लस 2q, ये हो गया जहाँ m बराबर बता दिया, तो यहाँ हो गया ये ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, ये हो गया। एक और बचा हुआ है r बराबर, अभी 2 पर हम लोगों को देखना है, आइए यहीं पर देख लेते हैं, ताकि ये हमने एक लाइन से इसलिए दिखाया है कि आपको समझ में आए, आप 1x1 ऐसे ऊपर से नीचे लिखेंगे कॉपी पे। जब r बराबर 2, इस बार हमने क्या ले लिया, 2 ले लिया, चलिए आइए देखा जाए, तो संख्या कितना हो जाएगा, a है और a बराबर 3q प्लस, इस बार हो जाएगा 2, इस बार 3q प्लस 2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि r बराबर हमने 2 ले लिया, यहां पर 0 हो गया, 1 हो गया और अंतिम 2। अब फिर वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, तो a स्क्वायर अर्थात संख्या का वर्ग बराबर 3q प्लस 2, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर वही a प्लस बी के रूप में इसे तोड़ेंगे, यहां पर हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2 × 3q × 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर होगा इतना। आगे देखा जाए 9q स्क्वायर प्लस, ये क्या होगा, 2 × 4 = 12 q प्लस, ये क्या होगा, ये 2 × 2 = 4 हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा देखना है, हमें 3 कॉमन निकालना है और प्रश्न में 4 नहीं दिया हुआ है, 3m प्लस 1 है, तो एक स्टेप और इसको बढ़ाएंगे, 9q स्क्वायर प्लस 12q, और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 1 लिख सकते हैं, 4 को 3 + 1 लिख सकते हैं यहाँ। अब 1, 2 ये जो 3 पद हैं, इनमें तीनों में 3 कॉमन है, 3 उभयनिष्ठ है और 1 को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। आइए देखा जाए 3 गुना, इसमें से 3 निकल गया केवल, तो क्या बचा, 3q स्क्वायर बचा प्लस, इसमें से 3 निकल गया तो क्या बचा, 4q बचा प्लस, ये 3 है और 3 निकल गया तो क्या बचा, 1 बचा, ये कोष्ट में बंद, और प्लस 1 ये पहले से है, समझ में आ रहा होगा। तो इसके आगे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ये है संख्या का वर्ग, क्या होगा, 3m + 1। देखिए ये इतना, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है इसको हमने m मान लिया, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर m, तो 3m और 1 पहले से है। इसके बाद लिख देंगे जहां m बराबर क्या होगा, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ये m के जगह पर इतना है। तो फाइनली हम लिख देंगे कि इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग
3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ये जरूर एक लाइन नीचे लिख देंगे। आइए इसके आगे का क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ऊपर जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन क्या होता है 9m, 9m प्लस 1 तथा 9m जोड़ 8 के रूप का होता है, ये करना है। तो प्रोसेस वही है, थोड़ा सा इसमें ट्रिक है उसे देखना है। सबसे पहले मान लेंगे कौन सा क्वेश्चन नंबर है, पांचवा। मान लिया या इसे हम संख्या भी लिख सकते हैं, संख्या a है मान लिया हम, कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है a है। अब a है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम जानते हैं a बराबर क्या होगा, bq जोड़ r, a बराबर bq जोड़ r, r का कंडीशन जानते हैं 0 लेस देन r लेस देन b, मतलब r 0 से बड़ा b से छोटा होगा और 0 के बराबर भी होगा, इसका मतलब ये है। अब देखा जाए यहां पर 9m तो हमें b बराबर यहां 9 मानना चाहिए 9, किंतु b बराबर हम 9 नहीं मानेंगे, संख्या का घन है बहुत ज्यादा आ जाएगा और हम बनाते बनाते बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा, यहां b बराबर हम 3 मानेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि जब भी धनात्मक पूर्णांक घन वाला प्रश्न आए तो 9m के रूप में हो तो वहां b बराबर 9 नहीं मानना है, 3 मानना है। जब b बराबर 3 तो R का संभावित मान, संभावित मान R का संभावित मान क्या होगा, 3 माने हैं B, R का संभावित मान 0, 1, 2, 3 नहीं होगा, तो यहां 0, 1 और 2 R बराबर होगा, R बराबर 0, 1 और 2। बारी बारी से लेंगे, जब R बराबर 2 तो संख्या, संख्या क्या है a है, संख्या a बराबर अब यहां बारी बारी से r का मान लेंगे 0, 1 और 2, तो यहां पर देखेंगे जब r बराबर 0 तो संख्या a है, संख्या बराबर बी क्यू प्लस आर, तो b के जगह पर क्या है 3 है, 3 क्यू और r के जगह पर क्या है 0 है, ठीक है। अब संख्या का घन कह रहा है, यहां तो दोनों तरफ घन कर देंगे, यहां a का घन करेंगे बराबर क्या होगा, इधर भी घन कर देंगे तो 3 क्यू प्लस 0 है, 0 इससे कोई मतलब नहीं है, 3 क्यू का पावर क्यू, यहां हो जाएगा ए क्यू बराबर 3 × 9, 9 × 27 और ये हो जाएगा क्यू का पावर 3। अब यहां पर हमें दिखाना है 9m, 9, तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हम 3m दिखा रहे थे तो 3 कॉमन निकाल रहे थे, इसमें 9 निकालेंगे क्योंकि हमें 9m का 9m या 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का दर्शाना है, तो यहां पर इस तरह से होगा ए क्यूब इक्वल टू 9 गुना 3 क्यू का पावर 3, मतलब 3 क्यू क्यू, यहां हो जाएगा अब ए क्यू बराबर लिख देंगे 9m जैसे उसमें लिखे थे, तो इसमें m बराबर क्या आ गया लिख देंगे यहां, जहां m बराबर क्या 3 क्यू का पावर 3, ये 3q का पावर 3 को हम m मान लिए हैं तो 9m हो गया, समझ में आ रहा होगा। चलिए यहां जब r बराबर 0 तो हमने देख लिया, अब 1 देखेंगे फिर 2 देखेंगे, r बराबर 1, जब r बराबर 1 तो संख्या, संख्या हमने माना है a और bq प्लस r के रूप में लिखना है, लेकिन b क्या है 3 है तो 3q प्लस 1, ये होगा संख्या, किंतु हमें संख्या का घन चाहिए,
तो a का पावर 3 बराबर 3q प्लस 1 का पावर 3 यहाँ भी करेंगे। अब a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब, इस सूत्र पे इसको हम तोड़ेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 3q का पावर 3 प्लस 3 × 3q² × 1 प्लस 3 × 3q² प्लस 1 का पावर 3, 1 का पावर 3, इस तरह से ये सूत्र पे आ गया। अब हल कर लेंगे, क्या होगा 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27 क्यूब का पावर 3 प्लस 3 × 3 = 9 और 3 पहले से है, ये भी हो जाएगा 27 ³ प्लस 3 × 3 = 9, ये होगा क्यूब, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और 1 का क्यूब क्या होगा, ये भी 1 ही हो जाएगा, तो प्लस 1, ये कैलकुलेशन है। अब हमें 9 कॉमन निकालना है, 9 उभयनिष्ठ निकालना है, क्यों, क्योंकि हमें 9m के रूप में दर्शाना है। तो यहाँ हो जाएगा 9 उभयनिष्ठ हम निकाल लेते हैं, तो ये कितना बचा 3q का पावर 3 प्लस 3q² प्लस केवल यहाँ क्यूब बचेगा और इसमें नहीं है तो इसको बाहर ही रख देंगे, इसमें से कोई कॉमन नहीं निकालेंगे। स्पष्ट है, समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आए कमेंट कीजिए। यहाँ देखें 1³ = 9 और इतना को हम m मान लेंगे और प्लस में क्या है 1 है, समझ में आ रहा होगा, लिख देंगे यहाँ, जहाँ m बराबर ये 3q³ प्लस 3q² प्लस क्यू, ये m बराबर इतना हो गया। तो इस तरह से यहाँ जो ये संख्या का घन है ये 9m प्लस 1 के रूप में आया और यहाँ संख्या का घन 9m आया। अब हम एक और मान निकालेंगे r बराबर 2 रखकर, इसको देखते हैं ये कितना आता है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में भी देख सकते हैं, नहीं तो प्ले बैक करके देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर ये प्रश्न आएगा तो परीक्षा में 5 अंक का आएगा। आगे लिखेंगे यहाँ जब r बराबर कितना, 0 1 तो कर लिया हमने, r बराबर 2, तो संख्या क्या है, a है, a बराबर क्या हो जाएगा bq प्लस r के रूप में लिख लेंगे, b है 3 यहाँ q और प्लस r क्या है 2 है, किंतु इसका भी हमें घन करना होगा, तो आइए घन कर लिया जाए। घन में होगा aq बराबर इधर 3q प्लस 2, ये घन होगा, a प्लस बी का होल क्यू सूत्र हम लोग समझ चुके हैं, उसी आधार पर यहाँ लिख देंगे 3q का पावर 3 प्लस 3 × 3q² × 2, ए स्क्वायर बी होता है प्लस 3ab², तो 3 × 3q इस बार 2 का स्क्वायर होगा और प्लस बी क्यूब होता है तो 2 का पावर 3, ये सूत्र पे हमने बैठा दिया। अब 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27 क्यूब का पावर 3 प्लस, ये भी होगा 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27 और 27 × 2 = 2 है तो 54 क्या होगा q² प्लस, ये होगा 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 और 12 × 3 = 36 और ये होगा q प्लस, ये 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा 8, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें इसे 9m के रूप में लिखना है, तो 9 कॉमन निकलेगा, 8 में केवल 9 नहीं है, बाकी इन तीनों पद में 1, 2, 3 तीनों पद में 9 है उभयनिष्ठ, तो 9 उभयनिष्ठ निकालते हैं पहले, 9 इसमें क्या बचेगा 3q का पावर 3 प्लस
नौ छके चौवन, छ क्यू स्क्वायर प्लस नौ चौ का छत्तीस, चार क्यू प्लस आठ को अलग ही रहने देंगे क्योंकि आठ में तीन नौ उभयनिष्ठ नहीं है। अब यहाँ फाइनली ए क्यू संख्या का घन क्या होगा, नौ एम प्लस ये आठ। इतना जो पद है ये इसका जो कोफिशियंट है गुणक है इतना तीन पद का गुणा इसको हम m मान लेंगे तो लिख देंगे यहाँ नीचे जहाँ m बराबर तीन क्यू का पावर तीन प्लस छ क्यू स्क्वायर प्लस चार क्यू ये हो गया m के जगह पर। तो इस तरह से ये हम देख रहे हैं कि यहाँ 9m प्लस 8 ये आ गया। तो नीचे एक लाइन निष्कर्ष लिखेंगे कि इस प्रकार हम देख रहे हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक अर्थात संख्या का घन 9m कॉमा 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये फाइनल आंसर लिख लेंगे, चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज एक्सरसाइज 1.1 समाप्त हो गया, दो भाग में है, दोनों जरूर देखिएगा। और इसके पहले हमने बतलाया है कि यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम से HCF कैसे ज्ञात करें उसका थ्योरी क्लास एक अलग से एक क्लास का हमने करवाया है। अब अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे 1.2 करेंगे, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।